हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिवाली की शॉपिंग करते हुए आज मुझे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिले, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मंगाए हैं LED दीपक, मुझे बहुत ही यूजफुल लगे, जिन्हें आप बिना तेल के सारी रात जला सकते हैं। देखिए, ये मैंने पैकेट बॉक्स खोला है और इस बॉक्स में 6 दीपक निकले हैं। इसमें न तेल की ज़रूरत है और ना ही लाइट की ज़रूरत है। दीपक को मैंने ओपन कर लिया है और दीपक को ओपन करने के बाद इसमें तेल नहीं, मैं यूज करने वाली हूँ पानी, और पानी भी बहुत थोड़ा सा पानी यूज करेंगे। और ये हमारे दीपक, चाहे आप रंगोली पे लगाइए, चाहे आप घर में कहीं भी लगाइए, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इन सारे दीपकों में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। इसमें हम डालेंगे 1-1 चम्मच के करीब पानी, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है और तेल की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दीपक को आप कहीं भी रख दीजिए, सारी रात दीपक जलता रहेगा, भरपूर रोशनी रहेगी। ये भी नहीं है कि दीपक लीक है या दीपक हमारा बत्ती बुझ जाएगी, तो ये LED दीपक बहुत अच्छी रोशनी करेंगे। और बस बहुत ही सस्ते पड़े हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। और जब यूज नहीं करने हो तो इनमें से पानी निकाल दीजिए, दीपक अपना आप बुझ जाएगा। देखिए, है ना मैजिक, पानी इसका बाहर निकाल दिया, दीपक हमारे बुझ जाएंगे। LED लगी हुई है इनके अंदर और इनको हम पैक करके भी रख सकते हैं कॉटन के कपड़े से। हल्का हल्का पानी पोंछ लीजिए इसका, और पानी हटाने के बाद छाया में रख दीजिए, और छाया में रखने के बाद इनको बंद करके रख दीजिए। मैंने कॉटन के कपड़े से हल्का हल्का पोंछ लिया है, और पोंछ करके वापस से रख देंगे। जब यूज करने हो इसी तरीके से आप जला सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है, देखिए ये मैंने लिया है ड्राई फ्रूट कटर, ये भी मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा मीशो पर। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट कटर का मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी इसका भी। ये मैंने बॉक्स को ओपन किया है, और बॉक्स ओपन करने के बाद देखिए ये छोटे छोटे 2 बॉक्स से निकले हैं इसके अंदर। अब इसमें मैं आपको काट के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़े से पिस्ता डाले हैं, और पिस्ता डालने के बाद एक नीचे प्लेट रखेंगे इस तरीके से, मैंने थोड़े से ही डाले हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो लाइन है, लाइन से क्रॉस को टच करते हुए, और इसको हल्का हल्का घुमाइए, और देखिए कितने बारीक और बहुत ही शानदार हमारे पिस्ता कट कर रेडी हो जाएंगे। इस तरह घुमाते जाइए, मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और बहुत ही सस्ता है और अच्छा भी बहुत है। हम ड्राई फ्रूट काटते हैं तो मोटे मोटे कट जाते हैं, या फिर उंगली कट जाती है हमारी, और ये बहुत ही अच्छे बारीक कटेंगे, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट कटेंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें बादाम भी काट सकते हैं, मैं आपको बादाम भी काट के दिखाऊंगी। और इस तरह से घुमाते जाइए, और हमारे ड्राई फ्रूट नीचे कट के निकलते जाएंगे। देखिए, हमारे सारे पिस्ता कटकर तैयार हैं, और ये देखिए कितने बारीक पिस्ता कटे हैं, और बहुत ही अच्छे, बिल्कुल मोटे मोटे नहीं है। अब हम इसके काटेंगे इसमें थोड़े से बादाम। देखिए, जैसे हमें खीर में डालने हैं, हलवा में डालने हैं, या किसी मिठाई में डालने हैं, तो झटपट से और बहुत ही अच्छे कट जाएंगे। बस इसी तरीके से इसमें बादाम को डाला, इसको सेट किया, और इसको हल्के हाथ से घुमाते जाइए। देखिए हमारे बादाम कितने अच्छे कट रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करूंगी। देखिए हमारे बादाम भी कितने अच्छे कटे हैं, बहुत अच्छे चौंप हो गए बादाम भी।
आप खीर में डालिए, हलवे में डालिए या फिर किसी भी मिठाई के अंदर डालिए। तीसरा प्रोडक्ट ये क्लिप है। ये प्रोडक्ट भी मैंने मीशो से मंगाया है और देखिए इसमें कितनी सारी क्लिप निकली है। 3 साइज की क्लिप है इसमें और हर साइज की क्लिप 6 क्लिप निकली है इसमें। 3 साइज हैं और 3 ही कलर हैं, 3-4 कलर की हैं और साइज भी 4 हैं इसमें, 4 साइज हैं इसमें। अब इसमें हम नमकीन वगैरह खोलते हैं या बिस्किट के पैकेट खोलते हैं तो हमारे ओपन रह जाते हैं और वो सील जाते हैं, या तो हम बंद करके रबड़ बैंड लगाते हैं। रबड़ बैंड लगाने का झंझट कौन पाले। देखिए इस तरीके से हम रबड़ बैंड लगा के पैकेट को रख देते हैं लेकिन फिर भी हमारी नमकीन सील जाती है। तो अब रबड़ बैंड का झंझट खत्म। रबड़ बैंड को कीजिए दूर। अब इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कीजिए और आप किसी भी साइज की, जिस तरह का आपका पैकेट है उसी साइज की आप चिमटी लगा दीजिए। इस तरह की क्लिप लगा दीजिए, क्लिप को खोलिए और क्लिक कर दीजिए। एकदम टाइट बटन हो जाएगा इसका, एकदम टाइट हो जाती है, एयर टाइट पैक हो जाती है। ये बड़ी लगा लीजिए चाहे मीडियम साइज की, देखिए मीडियम साइज की भी लगा सकते हैं क्योंकि पैक छोटा है। फोल्ड करके देख लीजिए आपके पैक में जितनी भी आए साइज की, छोटी आए छोटी लगाइए और बड़ी बड़ा पैक है तो बड़ी लगा दीजिए। आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कोई सा भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी इसका। कोई सा भी प्रोडक्ट मंगाइए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।